Hello students, how are you all of you? Okay, तो आज हम देखेंगे कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कौन सी चीजें घर में करते हो और वो कैसे करते हो. दैट इज इन EVS लेक्चर. सो विच थिंग्स आर यूजफुल फॉर योर हेल्थ, विच इज हाइजीनिक फॉर योर हेल्थ एंड विच इज नॉट. तो देखेंगे हम ये पिक्चर में कि आप क्या क्या घर में करते हो फिलहाल. तो सबसे पहले की एक बात है, दैट इज यस, ये फर्स्ट लड़की जो आप कर रही है यहाँ पे हैंड वॉश. क्या कर रही है? हैंड वॉश. तो आप सब लोग घर पे करते हो हैंड वॉश? यस. कैसे करते हो? ओके, तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट पहले पानी नल खोलना है, पानी से हैंड वॉश करना है एंड देन यू हैव टू क्लोज द टैप. ऐसे नहीं कि आपको नल खुला छोड़ के ही हैंड वॉश लेके रगड़ना है. तब तक पहले हैंड वॉश लेने से पहले हाथ थोड़े गीले करो. देन यू टेक अ हैंड वॉश एंड प्रॉपरली यू हैव टू यूज लाइक दिस, है ना. पीछे इधर किधर भी मिट्टी है, बहुत सारे कीटाणु रहते हैं तो वो हमारे हाथ में रहते हैं और जब आप खाना खाते हो, खेलते हो तो वो आपके पेट में चले जाते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू यूज हैंड वॉश एंड प्रॉपरली क्लीन योर हैंड्स. जब भी हैंड वॉश लगा के हो गया देन यू हैव टू ओपन द टैप, नल खोलना है और फिर आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है. ओके, आपको तब तक नल चालू नहीं छोड़ना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, राइट. फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है देखो तो मुझे बताओ. यस, बाथ. ही इज टेकिंग अ बाथ. That boy is taking a bath. मतलब वो नहा रहा है. तो अभी नहाते टाइम, I know that all of you रोज आप लोग नहाते हो, तो आपको अभी एक चांस है या पेरेंट्स को भी आपको बताना है कि आप खुद से नहाओ. अभी आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके आजी, दादा दादी जो भी घर में है वो आपको नहलाते रहेंगे. Now you are a big students, you are in LKG class, तो now you are starting to bath yourself. खुद से नहाना सीखो. अभी तो आपको किधर जाना नहीं है, यू डोंट हैव एनी हरी कि मुझे स्कूल में जाना है, ये करना है, वो करना है. तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, खुद से नहाना सीखेंगे. एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप अच्छे से नहा लेंगे. ओके, पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एक नोट है कि यू हैव टू गिव द स्टूडेंट्स इन सच अ वे, ये आपको अभी टाइम है बच्चों को सिखाने के लिए, तो उनको खुद से नहाना सिखाओ तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो कुछ तो न्यू सीखेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में अभी क्या दिख रहा है देखो. यस, यूजिंग डस्टबिन. ये लड़की जो है ये डस्टबिन यूज कर रही है. तो ये डस्टबिन का यूज क्या है? जो भी कचरा है हमारे घर में वह डस्टबिन में यूज करते हैं या डस्टबिन में डालते हैं. तो आपको भी, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने शार्पनर किया है, तो शार्पनर का कचरा घर पे ही नहीं छोड़ना है, इधर भी नहीं डालना है. क्या करना है? जैसे आप स्कूल में क्या करते थे, डस्टबिन में जाके डालते थे, सिमिलरली घर पे भी डस्टबिन में ही डालना है कचरा. या आप बनाना खा रहे हैं, कौन सी भी चीज खा रहे हैं, उसके छिलके रहेंगे, दैट यू हैव टू पुट इन अ डस्टबिन. ओके, और है कि आपकी मम्मी ने कुछ सब्जी वहां पे छिलके रखी है या जो भी उसका कुछ कचरा रहेगा, लहसुन का रहेगा या पोटैटो का रहेगा, आलू का, तो ये सब चीजें आप डस्टबिन में डालेंगे. आलू को नहीं डालना है, आलू के छिलके अगर निकाल के रखे तो ये आपको डस्टबिन में डालना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पेरेंट्स नोट करेंगे कि आप अभी घर पे ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज, ओला कचरा आणि सुका कचरा, इसे आप सेपरेट आउट करने की कोशिश करें. और जो भी आपका वेट गार्बेज है, मतलब ओला कचरा है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के रखना है, थोड़ा सा गार्बेज डाल के रखना है आउटसाइड योर हाउस. और एक दो महीने के बाद, एक डेढ़ महीने के बाद या हर 15 दिन में तो आपको उसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा. तो ये आपको बच्चे को साथ में लेके ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ फर्टिलाइजर इज स्टार्ट, फर्टिलाइजर कैसे तैयार होता है.
तो दिस इज अ वन एक्टिविटी फॉर एलकेजी स्टूडेंट्स कि आप 2-3 महीने कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 3 महीने बाद जो भी आपने वेट गार्बेज का फर्टिलाइजर बनाया वो बहुत अच्छा बन जाएगा. ओके तो ऑलवेज यूज डस्टबिन, है ना. ओके चलो अभी नेक्स्ट में क्या दिया है. नेक्स्ट में दिया है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको अच्छा लग रहा है वो, ये येलो ड्रेस में एक लड़का बॉल खेल रहा है. तो ये भी चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है बच्चों कि आपको खेलना भी चाहिए. हाँ अभी आपके मम्मी पापा आपको बाहर नहीं छोड़ रहे तो आप घर में ही खेलो. घर में क्या क्या खेल सकते हैं आप, घर में आपके स्टेप्स रहेंगे मतलब जीना, उसके ऊपर आप चढ़ सकते हो उतर सकते हैं, काउंट करके चढ़ो जब भी आप चढ़ रहे तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके चढ़ो, या घर में आपकी फर्शी रहेगी उसके ऊपर आप लंगड़ी करो तो ये भी आपका एक गेम हो गया, या बुक बैलेंसिंग करो ऊपर एक बुक रखो और चल के दिखाओ. बहुत सारे गेम्स है करने के. जैसे देखो अभी मम्मी पापा भी काम में बिजी रहते हैं ना, तो आपको अभी खुद से भी खुद खेलना आना चाहिए. तो बहुत सारी चीजें खेलने, जैसे ड्राइंग है आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो ड्राइंग कर रहे हो, है ना. तो खेलने से आपकी बॉडी अच्छी बनेगी तंदुरुस्त बनेगी. नाउ नेक्स्ट आपको और क्या करना चाहिए, आपको और करना चाहिए यस ब्रश. सब लोग ब्रश कर रहे हैं क्या अभी, क्या मैम वहां पे नहीं आ रही आपके टीथ चेक करने के लिए. सो हाउ यू हैव टू क्लीन योर टीथ बाय डूइंग अ ब्रश. तो ब्रश करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि आप रोज उठने के बाद ब्रश कर रहे क्या नहीं कर रहे. तो अगर ब्रश नहीं करेंगे तो सब कीटाणु आपके मुंह में वैसे ही रहेंगे, और आप पानी पियेंगे खाना खाएंगे या दूध पियेंगे सब आपका कीटाणु पेट में चला जाएगा. इसलिए ब्रश करो और फिर गुलनी करना है पानी से, मुंह धोना है और फिर आपको जो भी खाना है वो स्टार्ट करेंगे खाने के लिए. लेकिन उसके पहले कुछ भी खाना नहीं है, है ना. तो आज अभी ये वीडियो देखने होने के बाद सब लोग पहले मम्मी को अपना टीथ दिखाएंगे. नेक्स्ट डे जब आप स्कूल में आएंगे तो मुझे आपके टीथ क्लीन चाहिए, किसी का भी टीथ में चॉकलेट की वजह से कीड़े लग गए ऐसा नहीं चाहिए, है ना. चलो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको और कौन सी चीज करनी चाहिए. यस जो अभी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं दैट इज स्लीपिंग. आपको ज्यादा से ज्यादा देर सोना चाहिए. तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि मैम हम सोते ही रहते हैं. नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कि अभी आप मॉर्निंग में 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं तो दैट इज टोटली रॉन्ग. फिर स्कूल चालू होगी तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी. जैसे आपको पता है स्कूल में कुछ बच्चे लंच ब्रेक के पहले ही सो जाते हैं, तो इसलिए रात को जल्दी सोना है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है. इससे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी, है ना. तो ये जो जो चीजें अभी हमने देखी है पिक्चर में ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, है ना. ये सब चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है. तो आप ऐसा करेंगे. यस वेरी गुड. बाय बाय.